हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिरूप कुमार रॉय है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा एसबीआई क्लर्क मीन्स 2023-24 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन। सो मैं संजय सर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू। मैं संजय सर को पहले नहीं जानता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे संजय सर के बारे में पता चल रहा था लास्ट साल जब मीन्स का सीज़न चल रहा था, IBPS PO मेन्स, IBPS क्लर्क मेन्स, SBI क्लर्क मेन्स का जो सीज़न चल रहा था, मैं ऐसा टीचर एक ढूंढ रहा था जो पूरा पेपर, जो मेमोरी बेस्ड पेपर होता है मेन्स का, वो करवा दे एंड उसके साथ वो जो पूरा पेपर है क्रिटिकल रीजनिंग के साथ करवाए, जो पेपर एक्यूरेट भी हो। तो मैंने जब ये ढूंढा तो मुझे शायद पहला वीडियो संजय सर का ही मिला था, पहला शायद इकलौता वीडियो ही ऐसा होगा जहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम जो मेमोरी बेस्ड पेपर्स होते हैं वहाँ पर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं होता है। जो SBI क्लर्क मेरा मेन्स में सिलेक्शन हुआ है उसमें मैंने टोटल जो जो भी किया है उसमें मैंने एक भी पज़ल नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे मेन्स का पज़ल नहीं आता, मुझे आता है, बट वहाँ पर इशू ये होता है कि अगर आप एक लाइन का एक सेंटेंस भी मिस कर देते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से सर से पढ़ा, सर ने बहुत अच्छे से क्रिटिकल रीजनिंग मुझे पढ़ाया। उसके पहले मैंने काफ़ी जगह पर क्रिटिकल रीजनिंग ट्राई किया था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, बट जब सर से मैंने पढ़ाया मैंने ऑलमोस्ट अगर 10 के आसपास क्रिटिकल रीजनिंग आए थे मेंस में, उसमें से कम 8 तो मैंने किए ही थे, ऑलमोस्ट 6 से 7 तो सही है, एक आध गलत हो सकता है बट उससे ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा जो हेल्प हुआ है मुझे इस चैनल से वो ये है कि सर के जो एक क्लासेस होते हैं जहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन हो या डिडक्शन हो या फिर सिलॉजिज्म हो, डिडक्शन या फिर इनइक्वालिटी हो, ये सारे भी रहते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के 2-3 सवाल भी रहते हैं, DS जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर मेंस में आता है वो भी मैंने सॉल्व किया था मेंस में, वो भी सर करवाते हैं, एंड एक मेंस लेवल का पज़ल जो एक्चुअल में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पज़ल है वो भी सर करवाते हैं। ये एक कंपाइल्ड क्लास जहाँ पे रीजनिंग का एक मिनी पेपर हम करते हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे हेल्प किया है मेरे हिसाब से। एंड मुझे एक्चुअली पता चला कि एग्ज़ाम को कैसे, मीन्स को कैसे अप्रोच करना होता है, कौन से क्वेश्चंस पहले उठाने होते हैं, कौन से क्वेश्चंस को बाद में करना होता है या फिर कौन से क्वेश्चंस को पूरे तरीके से स्किप करना होता है। तो ये कंट्रीब्यूशन के लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सच में सच बात यही है कि आपके बिना सिलेक्शन नहीं हो पाता, एंड थैंक्स टू यू सर, आपके हेल्प की वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया SBI क्लर्क में।